नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की जो हमारी क्लास रहेगी, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का टॉपिक शब्द। ठीक, आपको मैं भाई वर्णमाला पढ़ा चुका हूँ। वर्णमाला में सारा जो भी स्वर व्यंजन था, अलप्राण महाप्राण वगैरह सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। तो शब्द जो होता है, तो शब्द की अगर मैं नॉर्मल परिभाषा बोलूं तो क्या होता है, वर्णों का व्यवस्थित समूह। क्या हो जाएगी परिभाषा इसकी, वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। भाई जब आप शब्द वर्णों क्या करोगे, एक व्यवस्थित क्रम में लिखोगे तभी आपका शब्द बनेगा। जैसे हमने लिखा कमल, इसमें एक शब्द लिखा कमल, तो जब मैं क म और ल इन वर्णों को एक क्रम में रख रहा हूं तभी कमल बन रहा है। अगर बाय चांस को आप ऐसे रखो म क ल, तब थोड़ी ये कोई शब्द बनेगा। शब्द तो भले बन जाएगा परंतु क्या नहीं बनेगा, अर्थ निकलने वाला शब्द नहीं बनेगा, सार्थक शब्द नहीं बनेगा, शुद्ध शब्द आपको कमल बन रहा है। तो इसीलिए जब वर्णों को क्या कहा जाता है, एक सुव्यवस्थित क्रम में रखा जाता है, तब आपका क्या बनता है, शब्द बनता है। ठीक है, तो वर्णों का सुव्यवस्थित समूह आपका क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। अब शब्द भाई क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार से उनके अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो रचना के आधार पर शब्द, एक आप पढ़ोगे रचना के आधार पर शब्द, ठीक है, किस शब्द की रचना कैसी है उसके आधार पर शब्द। एक आप पढ़ोगे उत्पत्ति के आधार पर, एक रचना के आधार पर पढ़ेंगे, एक उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द, और एक पढ़ेंगे हम विकार के आधार पर। किसके आधार पर, विकार के आधार पर, विकार के आधार पर। इन चार टाइप से हम शब्द को पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे भाई किसके आधार पर, रचना के आधार पर, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर, फिर पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, और फिर पढ़ेंगे हम विकार के आधार पर। ठीक, रचना के आधार पर शब्द के तीन प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के तीन प्रकार होते हैं। एक होता है आपका रूढ़ शब्द, या इसको मूल शब्द भी कहा जाता है, रूढ़ या मूल, रूढ़ शब्द या मूल शब्द, एक प्रकार तो ये होता है। एक प्रकार होता है आपका यौगिक, एक होगा आपका यौगिक शब्द, और एक होगा आपका योग रूढ़ शब्द। क्या होगा आपका, एक होगा आपका योग रूढ़ शब्द। ठीक हो गया, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, किसके आधार पर होते हैं, ये होते हैं आपका रचना के आधार पर। अब बात करें उत्पत्ति के आधार पर, इसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मतलब जो शब्द हम बोल रहे हैं उसका उत्पत्ति, वो शब्द कहां से उत्पन्न हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द होता है, एक देशज शब्द पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम इसके अंतर्गत विदेशज शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, तत्सम शब्द पढ़ेंगे इसमें, और आपका तद्भव शब्द इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके देखो मुख्य रूप से उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, आप बोलोगे चार प्रकार होते हैं। आप बोलोगे रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार होते हैं, तो आप कहेंगे तीन प्रकार होते हैं। लेकिन देखो भाई जो आपका मेन है, तो मेन तो माने जाते हैं चार प्रकार उत्पत्ति के आधार पर, लेकिन कभी कभी एक प्रकार और ले लेते हैं, इसको मैं स्टार मार्क ले लेता हूं, इसको बोलते हैं संकर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर मेन तो चार ही प्रकार होते हैं आपका, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, एक और प्रकार ले लेते हैं उसको बोलते हैं संकर शब्द। ठीक है, अब बात करूं मैं अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर हो जाएंगे आपका एक पर्यायवाची शब्द, है ना, पर्यायवाची शब्द, एक होगा आपका विलोमार्थी, विलोमार्थी या विलोम शब्द, ठीक हो गया। एक होगा आपका एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का एक ही अर्थ निकलेगा, एकार्थी शब्द। एक निकलेगा आपका यहां से अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी
शब्द। ठीक है, ये चार प्रकार के हम पढ़ेंगे किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है भाई, इसके बाद बात करते हैं विकार के आधार पर। विकार के आधार पर भी दो प्रकार के शब्द पढ़े जाएंगे, एक होगा आपका विकारी शब्द और एक होगा अविकारी शब्द। ठीक, जब मैं पढ़ाऊंगा इनको तब इनके बारे में बात करेंगे हम डीप से। थोड़ा थोड़ा अभी समझ ले जरा। देखो भाई, रचना के आधार पर तीन प्रकार के शब्द पढ़ने हमने, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक हो गया। उत्पत्ति के आधार पर देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, संकर। अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी। ये तो सब बहुत छोटे टॉपिक है, लेकिन जो ये वाला टॉपिक है आपका विकार के आधार पर, विकारी और अविकारी शब्द, ये काफी बड़ा टॉपिक है अपने आप में, है ना। बात करें विकारी शब्द की, तो वह शब्द जिनमें क्या होगा, लिंग वचन क्रिया वचन, है ना, लिंग वचन क्रिया आदि के आधार पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे संज्ञा शब्द, सर्वनाम, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, सब इसमें पढ़ेंगे कारक। अविकारी में क्या पढ़ेंगे हम लोग, अवयव। अवयव होते हैं चार, तो वो मैं सब आपको बताऊंगा जब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप फटाफट इस चार्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपनी कॉपी में बना दें, क्योंकि हम इसके आधार पर ही सारे पढ़ेंगे। ठीक है भाई, अगले कुछ दिनों की जो क्लासें होंगी वो इसके आधार पर ही चलेंगी आपका। ठीक, तो आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द। क्या पढ़ेंगे, रचना के आधार पर शब्द मैं आपको पढ़ाता हूं आज। ठीक है भाई, चलो रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर शब्द होते हैं तीन प्रकार के। पहला होता है आपका रूढ़ या मूल, अगला होता है आपका यौगिक शब्द और अगला होता है आपका योगरूढ़ शब्द। ठीक है भाई, चलो अब जो रूढ़ शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, तो जो रूढ़ शब्द होते हैं वो शब्द होते हैं भाई जिनके आप दो खंड, दो टुकड़े ना कर पाओ। अब टुकड़े तो आप कर सकते हो, लेकिन सार्थक टुकड़े ना कर पाओ, शुद्ध रूप से ये होगा। तो वह शब्द जिनके आप दो सार्थक खंड नहीं हो, जिनके क्या हो, दो सार्थक खंड नहीं हो पाए, उनको क्या कहेंगे हम, रूढ़ शब्द या मूल शब्द कहेंगे। जैसे जैसे मैंने एक शब्द लिखा कुर्सी, क्या लिखा मैंने, कुर्सी। तो क्या कुर्सी शब्द को आप तोड़ सकते हो भाई, कुर्सी शब्द को अगर तोड़ोगे तो आप किसको तोड़ोगे, एक कु और एक अरसी, तो क्या होगा, कोई शब्द बनते ही नहीं है। तो कुर्सी शब्द को आप दो खंडों में नहीं तोड़ सकते, इसलिए क्या शब्द आपका, रूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहां पे एक दो एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे मैंने बोला खीर, खीर, तो खीर शब्द को भी क्या है, दो भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। मैंने बोला राम, राम शब्द को भी दो टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये सारे क्या है आपका, सार्थक शब्द हैं आपका, सॉरी कौन से शब्द है, रूढ़ शब्द है आपका। ठीक, ऐसी मैं बात करूं अगर यौगिक शब्द की, यौगिक शब्द वह शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं ये, दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे जैसे हमने एक बोला विद्यालय, हमने एक शब्द बोला विद्यालय, ठीक हो गया, विद्यालय। अब विद्यालय जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है भाई, एक शब्द है विद्या और एक शब्द है आलय। विद्या तो आप लोग सब जानते हो, विद्या, और एक शब्द है आलय, आलय मतलब घर। तो ये दोनों शब्द क्या है, जिनके अर्थ निकलते हैं। तो विद्यालय कैसे हो जाएगा आपका, विद्यालय आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। यौगिक शब्द वह शब्द होते हैं जो दो शब्दों को मिलकर बनते हैं। वो दोनों शब्द कैसे होने चाहिए, वो दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए आपका। ठीक हो गया, जैसे एक शब्द और देखते हैं यहां पर, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री, दो शब्द क्या हो जाएंगे इसमें, एक शब्द है प्रधान, प्रधान का अपने आप में अर्थ निकलता है, एक शब्द है मंत्री, मंत्री अपने आप में क्या है, एक शब्द है जो इसका क्या निकलता है, अर्थपूर्ण शब्द है। ठीक है, इस प्रकार हम देख सकते हैं क्या है, इन शब्दों का क्या निकल रहे हैं, अर्थ निकल रहे हैं अपने आप में। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लें इसका, पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तकालय का मतलब क्या, इसका दो टुकड़े क्या हो जाएंगे, एक शब्द है पुस्तक और एक शब्द है इसमें आलय।
एक शब्द है पुस्तक, एक शब्द है आलय, तो क्या बन जाएगा पुस्तकालय। क्लियर है? ठीक है भाई, तो ये कैसे हो जाएंगे आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वह शब्द होते हैं जिसमें क्या होता है आपका दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं। क्लियर? अब आता है भाई योगरूढ़ शब्द। कौन से शब्द? योगरूढ़ शब्द। अब एक चीज याद रखना, जो योगरूढ़ शब्द होते हैं वो शब्द रूढ़ भी हो सकते हैं और वो शब्द यौगिक भी हो सकते हैं। तो आपको पता कैसे लगेगा भाई कि वो योगरूढ़ शब्द है? तो योगरूढ़ जो शब्द है वो हमेशा किसी शब्द का क्या होगा, पर्यायवाची होंगे। जैसे मैंने क्या बोला, लंबोदर, लंबोदर है ना, लंबोदर। तो अगर लंबोदर शब्द की बात करूं तो ये किसका पर्यायवाची है? लंबोदर शब्द है गणेश जी का पर्यायवाची, इसलिए सीधा सीधा क्या है, योगरूढ़ शब्द। वह शब्द जिनका अर्थ किसी दूसरे शब्द के लिए निकलेगा वह क्या कहलाएंगे, योगरूढ़ शब्द कहलाएंगे। तो जो भी पर्यायवाची शब्द, जैसे मैंने बोला पंकज, पंकज किसका पर्यायवाची है, कमल का, ये भी किसमें आ जाएगा, योगरूढ़ में। आपने बोला नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ भी कैसे हो जाएगा, योगरूढ़ शब्द हो जाएगा आपका। ठीक हो गया? आपने बोला वज्रधर, तो वज्रधर भी क्या हो जाएगा आपका, योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या देखा भाई, रचना के आधार पर शब्दों के तीन प्रकार देखे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वह शब्द होंगे जिनके आप सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं, यौगिक शब्द वह शब्द होंगे जिनके आप दो सार्थक खंड कर सकते हैं, और योगरूढ़ शब्द वह शब्द होंगे जो किसी शब्द का अन्य अर्थ, अन्य शब्द के अर्थ के रूप में लिखे जाते हैं, जो किसी के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, चलो अब जो अपना कल का वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे और पाठ, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे भाई। देखो जो उत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ते हैं, देशज विदेशज और तत्सम तद्भव, इनके मैं बिल्कुल आपको ट्रिक के साथ लिखाऊंगा, इनको ट्रिक के साथ याद कराऊंगा आपको। ठीक हो गया, चलो तो आज का वीडियो तो फिलहाल यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।